देखो इनका भी आप देख सकते हो, इसका भी नसबंदी कर दिया, इसका कान देख सकते हो साइड को। देखो मेरी गाड़ी सुनने से ही आ गए वो। वेलकम बैक अपन का यूट्यूब चैनल स्मार्टी महेश राइडर बॉय, बोले तो अमची मुंबई। तो आज का विषय है जो प्राणी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कलयुग में। आप लोगों ने देखा रहेगा, मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग डाला था एक पेड़ के ऊपर और एक गाय माता के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आज मैं जो बिल्ली के ऊपर बनाने वाला हूँ और आज डॉग के ऊपर बनाऊँगा, तो उनके ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है आपको ज़रूर दिखाऊंगा और आप ज़रूर देखना, बने रहे अपने चैनल पे, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ अपने ही घर के पास जो बिल्ली है, जो बचपन से छोटी थी तब से हम लोग पाल रहे हैं, बट देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत जल्दी। ये जो कट है, मैं सोच रहा क्या था, फिर बाद में पता चला कि इसकी नसबंदी कर दी है। ये इंसान लोगों ने तो बनाया नहीं इस जानवर को, ये भगवान का है, तो भगवान पे छोड़ दो, आपका हक नहीं बनता किसी को ऐसा करने का। ये देख सकते हो बाल भी चले गए उसके, देखो कैसा हो गया, कितने के मासूम। आप लोगों को अपनी काली काली इसका वीडियो बना रहा हूँ। देखो इनका भी आप देख सकते हो, इसका भी नसबंदी कर दिया, इसका कान देख सकते हो साइड को। देखो मेरी गाड़ी सुनने से ही आ गए वो। वो कितने प्यारे हैं ये, इंसान इस पे जुल्म कर रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ किसने हक दिया इनको नसबंदी करने का, गलत है, बहुत गलत है। अभी दुनिया में क्या हो रहा है कि जो जानवर घूमते रहते हैं उनकी नसबंदी करने का कारण क्या है कि ये बच्चे दे ही नहीं, तो उनका अडॉप्ट करे नहीं कोई, तो इसके लिए नसबंदी हो रही है। इसका कारण है कि अभी आप देख सकते हो मार्केट में बहुत प्रकार के जानवर मिलते हैं जो अपन ख़रीद के लेते हैं 20,000-10,000, तो कैसा उनका भी फ़ायदा होना चाहिए ना, तो इसके लिए इनकी नसबंदी करते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही है जो बेचारे बेजुबान जानवर जो घूमते हैं उनके लिए। अभी जानवर के ऊपर भी पैसा कमाने का इन लोग ने सोच चालू कर दिया, तो ये सब रुकना चाहिए, बस वही कहता हूँ मैं सब लोगों को। देखा आपके कान के पास उनके, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है यार, क्या इतना मासूम कुत्ता है उसका क्या इंसान हाल कर रहा है, नसबंदी सीधा कर रहा है। अरे किसने आपको बोला कुदरत से खेलना, आपको किसने सिखाया, क्या आप ही भगवान हो ये सब करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा रहेगा जानवरों की हालत कैसी है, जो उनका नसबंदी कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है कि उन लोग बोलते नहीं है तो उसकी नसबंदी कर रहे हैं। जैसे बोलते ना उनको, जानवर को जब भूख लगती है उनको पता भी नहीं है कि पैसा दे के खाना मिलता है, कुछ नहीं पता है उनको। एक जंगल बनाओ उनके लिए, एक सुविधा बनाओ कि उनको वहाँ पे छोड़ दो, नसबंदी क्यों कर रहे हो, तो गलत है ना। अगर गवर्नमेंट बोल रहे कि PMC जाओ, वहाँ पे जाओ, उसका रजिस्टर करो, पट्टा पहनाओ, ये करो उसके लिए, तब हर गली में हर चौड़े पे जाके उनके लिए सुविधा करो ना, उसको पूछो कि भाई आपका है जानवर ये है, तो अब वो सिस्टम भी कर सकते हो, उनको सबको पट्टा बेल्ट उनकी भी कुछ ना कुछ कर सकते हो आप, पर उनको नसबंदी सही में यार ये सब कुदरत से खेल रहे हैं यार। आप सभी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा जार पौधे की हालत कैसी है,
उनको पानी जाने के लिए नहीं मिल रहा, सोध नहीं मिल रहा, उसके लिए भी नहीं कोई कुछ कर रहा है। पर कुछ क्या काम का इंसान जो भगवान ने बनाया है उनको, और इंसान उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। मुझे पता नहीं कि इसके ऊपर आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मुझे सही नहीं लग रहा है यार। सबकी दुनिया है यार जीने की, कुछ भी करे यार। उनकी आबादी रोकने के लिए उनकी नसबंदी करे, उसके बाद नसबंदी होने के बाद उसका हाल क्या होता है आपने कभी देखा है? बहुत बुरा। कोई कोई तो जानवर ऐसे फूल जाते हैं, किस किस के तो बाल चले जाते हैं। कैसा लगता है यार मुझे तो सच में यार। आपको कैसा लगता है मुझे सही में कमेंट करके बोलना। मैं टैग करूंगा पीएम मोदी सर को कि भगवान ने चीज़ें बनाई है, उसके ऊपर इंसान क्या कर रहा है उसके मतलब के लिए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ इस चीज़ में कि जो भी ट्रस्टी है जो जानवरों की भलाई के लिए सब कर रहा है, पर नसबंदी आपने देखा रहेगा, बिल्ली उसको भी नहीं छोड़े, बहुत सारे जानवर रह गए, डॉग को भी छोड़े नहीं, बाकी और जानवर के कौन से रह गए मुझे तो दिखा नहीं। पर मैंने जब से कान पे जो कटिंग देखा तब से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या था ये। बाद में मेरे को पता चला कि वो नसबंदी का एक निशान रहता है, किसको नसबंदी किया है। तो बहुत गलत है यार, बहुत गलत है, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। बस मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि सिटी में जानवर ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उनको अलग से जंगल, हाँ जंगल में रह नहीं सकते, पर उन लोग को अलग से कुछ करो ना। नसबंदी करके आप भगवान से, आप भगवान थोड़ी हो, और भगवान भी बहुत कुछ कर सकता है। एक कलयुग है, इसका अंत तो होना ही है, याद रखना। और बहुत गलत है, आप जरूर कमेंट करके बताना मेरे को सही है या गलत है। जानवर के ऊपर जुल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे को बताओ। कल आज जानवर के ऊपर हुई, कल इंसानों के ऊपर भी हो सकती है, बताओ। भगवान से बड़ा इंसान बन रहा है। और मेरे पीछे के ब्लॉग में भी देख लेना क्या क्या चीज़ें हो रही है दुनिया में, और बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं, जो आपको भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री